हेलो मित्रों, तो मेरा नाम है अंशुमन कोरेन। भाई आज भी हमारे पास यार काफ़ी सारे न्यूज़ अपडेट्स हैं। एंड बाकी यार आप लोग भाई वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहना। चलिए बढ़ते हैं अपने भाई पहले अपडेट्स में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक यार भाई सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर दो यार, भाई साल के एंड तक हमारे 50K करा दो। एंड बाकी यार भाई एक सेकेंड लगता है यार, भाई कर दो यार सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं अपने भाई पहले अपडेट्स में। तो हम बात करने वाले हैं एजाज खान वर्सेज भाई हर्ष पैनीवाल के बारे में। तो भाई जो कि हर्ष पैनीवाल की भाई न्यू वीडियो आने वाली थी भाई एजाज खान को रोस्ट करते हुए, एंड भाई वो आने वाली है जल्दी। तो उसका अपडेट देते हैं यार भाई, जो कि हर्ष पैनीवाल और अपने भाई इंस्टाग्राम पे एक भाई वीडियो लीक अपलोड करते हैं एंड उसके भाई कैप्शन में लिखते हैं कि भाई वो आने वाली है कल, भाई आज है 15 तारीख एंड भाई वो आने वाली है 16 तारीख को। एंड बाकी भाई वो उस लीक अपडेट वाली वीडियो में भाई क्या कुछ बताते हैं तो उसका क्विक में छोटा सा क्लिप लगा के भाई दिखा देता हूं एंड देखो आप। बड़ी गर्मी लग रही है। लाल नशा चढ़ा है क्या तेरे को? और ये क्या, पेट तो बड़ा भार आ गया तेरा है? और ये क्या है, क्या ये साला क्या कर रहे है? बाकी हर्ष बेनीवाल की वीडियो के लिए आप लोग भाई कितने एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में मेरे को भाई बता देना जरूर से। एनीवेज चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट्स में। तो हम लोग यार भाई बात करने वाले हैं ईसीएल के भाई काफी सारे अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑल हम लोग यार भाई बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो यार भाई क्या फुकरा इंसान की टीम को भाई एक्सपोज कर दिया है भाई उनके बड़े भाई ने, यानी कि भाई ट्रिगर्ड इंसान ने। एंड यस भाई जो कि ट्रिगर्ड इंसान है भाई वो कल कर रहे थे लाइव एंड उस पर भाई बात करते हैं यार भाई जो कि फुकरा इंसान की टीम है एंड भाई उनको काफी एक्सपोज भी कर देते हैं बेसिकली भाई उनकी बैटिंग एंड बॉलिंग को। तो भाई क्या कहते हैं ट्रिगर्ड इंसान उनको एंड देखो आप लोग। तो हमने देख ही ली, ये साले अगर बैटिंग में भी नहीं मारेंगे तो बॉलिंग में तो वैसे ही नहीं होना। घंटा बॉलिंग इनकी कल देख ली मैंने, बॉलिंग है इनकी कोई, ऐसा लग रहा था दूसरी क्लास का बच्चा 12वीं के बच्चे को बॉलिंग करा। इसके साथ बढ़ते हैं यार भाई ईसीएल के अगले अपडेट्स की ओर। तो हम लोग यार भाई बात करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। तो यार भाई जो कि मुनव्वर फारूकी यार भाई कल उनका मैच होता है भाई बेंगलुरु के साथ, यानी कि भाई फुकरा इंसान की टीम के साथ एंड भाई उसको वो जीत जाते हैं कल भाई काफी अच्छे यार भाई पार्टनरशिप से। एंड भाई होता क्या कि भाई जो कि जब वो आते हैं कॉन्फ्रेंस पे भाई उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो यार भाई जो कि वो भाई अपने क्वेश्चन को लेकर भाई काफी कॉन्फिडेंस होते हैं। एंड भाई अभी के टाइम पे भाई जो कि मुनव्वर भाई उनके दो मैच हुए हैं एंड भाई वो दोनों के दोनों मैच को भाई जीत भी चुके हैं। तो यार के टाइम पे भाई जो कि मुनव्वर फारूकी हैं भाई वो एंड भाई उनकी टीम वाले काफी यार भाई कॉन्फिडेंस हैं। तो यार भाई जो कि कॉन्फ्रेंस वाले होते हैं भाई उनसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या भाई तुमको एलविश यादव से डर लग रहा है एंड भाई क्या उस वाले वे पे भाई जो कि मुनव्वर फारूकी हैं भाई वो एलविश यादव को एक्सपोज कर देते हैं। एंड बाकी भाई एलविश यादव भी अपनी टीम को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। तो भाई क्या कुछ कहते हैं मुनव्वर फारूकी भाई उनको रोस्ट करते हुए एंड देखो आप। अच्छा एक सवाल मेरा ये है कि जैसे मुनव्वर है मुनव्वर नहीं सॉरी एलविश है काफी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वो लगते हैं और वो ना मतलब प्रेशर सा डाल देते हैं बातों से ही, पीयर प्रेशर लगता है कि जैसे वो बातों से ही बोल देते हैं कि भाई ट्रॉफी तो धरी आएगी ट्रॉफी तो अपनी है कुछ ऐसा नहीं। दैट्स अच्छी चीज है ना, ये तो कॉन्फिडेंस हर इंसान में होना चाहिए। जैसे मैं भी कहता हूँ कि भाई ट्रॉफी डोंगरी जाएगी ये वो, हम सब ये चीज़ बोलते हैं, जीतने का सबको मन करता है, कोई एक्सप्रेस करता है अपने एक्शंस में अपने अल्फाजों में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी कॉन्फिडेंस। हर इंसान यहाँ पे मैच जीतने आया है ना, आपका ही मन करता होगा देख करके भाई मैं भी खेल लेता तो मैं मार देता, ये साला कैसे नहीं मारा। तो वो जुनून ऑफकोर्स वो टीम है तो वो कॉन्फिडेंस अगर कैप्टन की तरफ से आ रहा है तो बेस्ट होगा, बट वो बोलते ना कि अभी अगर हम लोग यार भाई मुनव्वर फारूकी के बारे में बात कर रहे थे और भाई क्या मुनव्वर फारूकी का और भाई नया लफड़ा हो चुका है अनुराग द्विवेदी के साथ। एंड ये अगर आपको भाई नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई जो कि मुनव्वर फारूकी का भाई पहला मैच होता है भाई वो होता है यार भाई अनुराग की टीम के साथ भाई लखनऊ लायंस के साथ। एंड भाई जिसको यार भाई मुनव्वर फारूकी भाई जीत जाते हैं काफी अच्छे यार भाई चेजिंग से। एंड भाई क्या मुनव्वर फारूकी को भाई उन्होंने रोस्ट कर दिया अनुराग ने। एंड ये भाई के टाइम पे भाई इंस्टाग्राम स्टोरी को डालते हैं एंड बाकी उसमें भाई वो क्या कहते हैं मुनव्वर फारूकी को भाई रोस्ट करते हुए एंड देखो आप। रन आउट मारा मुनव्वर भाई, जीत से खुश हो गए बट रनआउट से तो कोई बात नहीं यार। मुंबई की टीम यार अच्छी है, अच्छी सब लोग अच्छे हैं और लोग अच्छे हैं, टीम के मेंबर्स अच्छे हैं, हमारा दिन खराब है। वरना और भी टीम्स हैं जिनको बात करने की बोलने की भी तमीज नहीं है, बट मुंबई की टीम अच्छी है, मतलब टू बी ऑनेस्ट। नहीं पढ़े लिखे हैं ना भाई, पढ़े लिखे हैं एक्चुअली तो अच्छे हैं और इट्स वेरी गुड। तो न्यू लफड़ा चलो
एनीवेज ईसीएल के लिए भाई बस अभी तक मेरे को कुछ यही अपडेट्स मिले थे एंड इसके साथ बढ़ते हैं अगले अपडेट्स में। तो हम लोग भाई दोबारा से बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो और बैक ट्रिगर्ड इंसान का भाई जो कि नया प्रोजेक्ट आने वाला था जो भाई वो काम कर रहे थे भाई 5 से 6 महीने से एंड यस भाई उसका वो भाई बता दिए हैं कि भाई वो कब आने वाला है एंड बाकी भाई उसका कितना एडिट हो चुका है। तो भाई वो कल लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे एंड उसके थ्रू भाई उनका कुछ भाई एक लीक हो जाता है। तो क्या कहते हैं वो आप लोग देखो। इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग वेब शो। ऐसा ये नहीं कि बस एक शो आया और नहीं भाई, उसकी खूब प्रमोशन होने वाली है। तो एंड उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। मैं मतलब मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ बट उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसा सेलेब्स भी होंगे कुछ एंड इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी अ बिग शो। तो मेरा मेन रीज़न यही था कि मैं पिछले 4-5 महीने से उस शो बनाने में लगा हुआ था एंड 3 एपिसोड उस शो के एडिट हो चुके हैं। मैंने देखे कल परसों देखे थे, काफ़ी कूल लग रहा है। आगे बाकी के 3 देखने के बाद बताऊंगा एग्जैक्टली कैसा, बट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर में आ जाएगा वो शो। चला दिया यार इनका भाई शो देखने के लिए। आप लोग कितने एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना भी जरूर से। एंड अगर हम लोग भाई शो के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई जो कि लफड़ा सेंट्रल का भाई शो है भाई लास्ट भाई क्या उसका भाई लास्ट शो आने वाला है एंड यस भाई उसके बारे में भाई बात करते हैं थगेश अपनी भाई इंस्टाग्राम स्टोरी में एंड भाई वो बात करते हैं जो कि उनका शो है लफड़ा सेंट्रल का भाई उसका फाइनल एपिसोड आने वाला है एंड उससे पहले भी यार भाई क्या कुछ अपलोड हो सकता है। तो बाकी क्या कहते हैं उसके बारे में आप लोग भाई देखो। लफड़ा सेंट्रल का लास्ट एपिसोड आ रहा है यस, देखो कैसा तो लग रहा है बोलते हुए बट नेक्स्ट वीडियो मोस्टली वही होगा मेन चैनल पे, फिनाले एपिसोड एलसी का एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गेस्ट के लिए एंड पता नहीं मतलब मजा आएगा। आप सब उसको जानते हो, सब लोग उसको जानते हो, सबको पता है कि कितना फनी है एंड ऑल दैट बट मैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे, इतने महीने से चल रहा है लफड़ा सेंट्रल वो ट्रेन का सेट एंड सडनली लाइक फिनाले एपिसोड होने वाला है। सो या एंड मोस्टली नेक्स्ट वीडियो वही होगा चैनल पे, बीच में कोई और एक वीडियो आ सकता है लेकिन मोस्टली आई ट्राई कि नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो ही लफड़ा सेंट्रल का फिनाले एपिसोड हो। अगर हम लोग यार भाई काफी सारे यूट्यूबर्स के भाई प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यार भाई क्या फुकरान खान का भी भाई कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है एंड यस भाई उसके बारे में भाई वो बात करते हैं यार भाई अपने इंस्टाग्राम पे भाई बात नहीं करते यार एक भाई रील को अपलोड करते हैं एंड आई थिंक यार उनकी कोई भाई न्यू वीडियो आने वाली है। तो बेसिकली भाई उस वाले रील में होता क्या है भाई उसका आपको एक मैं छोटा सा भाई क्लिप लगा के दिखा देता हूँ एंड देखो आप। Don't be blind, speak. आज का ये भाई लास्ट अपडेट था एंड इसी के साथ भाई वीडियो को खत्म करते हैं अपनी। एंड अगर आपने अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार भाई सब्सक्राइब करके हमारे 50K करा दो एंड वीडियो को लाइक भी करना मत ही भूलना। मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।